ये तो आप जानते ही हैं कि स्टार प्लस पर एक नया सीरियल आने वाला है जिसमें दीपिका कक्कर और करण ग्रोवर दोनों की जोड़ी जमने वाली है। एक है डॉक्टर तो एक है कलाकार। अब डॉक्टर और कलाकार की जोड़ी कैसे जमेगी इसके लिए बाकायदा चर्चा हुई। कैसे आपको अभी पता चलेगा। दूसरे से मिल गए और मिलने के बाद उन्हें प्यार भी हो गया, लेकिन इन दोनों के बीच प्यार हुआ कैसे, क्योंकि एक लेफ्ट जाता है तो दूसरा राइट। तो भी भगवान ने इनकी किस्मत की डोर कैसे एक साथ बांधी ये सोचकर हम भी हैरान होते हैं जितना कि सोनाक्षी और डॉक्टर साहब हो रहे हैं। मतलब ऐसे एक के बाद एक मौके होते गए कि ये एक दूसरे के सामने आके खड़े हो जाते हैं एंड दोनों को वो चीज इरिटेट भी करती, लेकिन अब ऑपोजिट्स हैं कहीं ना कहीं तो अट्रैक्ट होंगे। और दोनों की आई थिंक दोनों को गुस्सा इसी बात का है कि ये मेरे जैसा या मेरी जैसी है नहीं और जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उससे बिल्कुल अलग है, पर फिर भी मुझे ये खिंचाव या ये अट्रैक्शन या ये लगाव क्यों हो रहा है। एक दिल का डॉक्टर है तो दूसरी लाखों दिलों पर राज करती है। डॉक्टर साहब की पसंद और सोनाक्षी की पसंद खाने पीने में कितनी मेल खाती है ये इनसे ही सुनते हैं। ये तो पिज्जा खा रही है। बट मैं पिज्जा खा रही हूँ, मैं गार्लिक ब्रेड विद चीज खा रही हूँ, पिज्जा विद ट्रिपल चीज खा रही हूँ एंड पनीर टिक्का खा रही हूँ, चिकन टिक्का खा रही हूँ। मैं तो ये खा रहा हूँ, ये मेरी फिटनेस का राज है। थोड़े वाटरमेलन, हाँ ये गरीब वाला खा रहा है। अब दीपिका यानी कि सोनाक्षी वो तो कीटो डाइट पे है और हो भी क्यों ना, प्रोफेशन से वो एक एक्ट्रेस जो है तो भाई खुद को मेंटेन करने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ मैंने अब तक बहुत प्रकार की डाइट्स बनाई हैं कभी शोएब के लिए कभी खुद के लिए बहुत चीज़, बट आई थिंक जो बॉटम लाइन दैट आई हैव रीच्ड एंड आई हैव अंडरस्टूड इज प्रिसाइसली व्हाट ही सेड, प्लीज़ शुगर से कोसों दूर रहिए। उसके बहुत रीजंस है, एंटी एजिंग, आपकी फिटनेस, फ्रेशनेस, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब डॉक्टर साहब और सोनाक्षी के बारे में तो जान लिया आप सबने, चलिए मिलते हैं उनके बाकी परिवार से। मैं उनकी ननंद हूँ एंड शी इज़ माय भाभी एंड आई मस्ट टेल यू ये कैरेक्टर बहुत सालों के बाद एक ऐसा कैरेक्टर मिला है जिसके साथ मुझे प्यार है। मतलब वीना सिप्पी इज़ द कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग और वो इतनी सुलझी हुई औरत है, जैसे सुई धागा होता है ना जो सारी चीज़ों को पिरो देता है। स्टार प्लस पर आने वाले इस शो कहां हम कहां तुम के लिए एक बहुत बड़ा पैनल डिस्कशन हुआ जहां पर एक ओर डॉक्टर्स थे तो दूसरी ओर टीवी के कई सितारे। अब इनके बीच बहस ये हुई कि एक सर्जन और एक्ट्रेस की जोड़ी भला कैसे मिल सकती है और अगर मिलती है तो उनके बीच क्या क्या हो सकता है। It's a lovely discussion between real life actors and real life surgeons. So it's very interesting because you know for the first time I am seeing such a concept being discussed like in between people and then I really felt ki ekdam sahi hai because how do people manage, because we actors don't have time. And when I heard about surgeons them talking they again had the same problem. To agar ek surgeon aur ek actor pyar mein pad jayenge to wo bechare kaise ek dusre ko time denge. वैसे दीपिका और करण अब तक तो आपके सीरियल के प्रोमो को देखकर सबने तारीफ की है आपके शो की, अब आपसे मिलना तो हर दिन होगा और हम वादा करते हैं कि आप दोनों की प्रेम कहानी हम दर्शकों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा और आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।